नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक के इस कानूनी कहानी के एपिसोड में मैं पूनम शर्मा आपका स्वागत करती हूं। आज बात करेंगे कोर्ट से आने वाले एक बड़े फैसले की, जो एमजे अकबर वर्सेस प्रिया रमानी को लेकर था। साथ ही बात करेंगे कि क्या निकिता जैकब को जमानत मिली, तो किन शर्तों के साथ मिली, और सुप्रीम कोर्ट में जो केस था उस याचिका पर क्या हुआ, जिसमें हनुमान मंदिर को तोड़े जाने के बाद उसको दोबारा बनाने की मांग की गई थी। साथ ही कानूनी कहानी में मैं आज आपको बताऊंगी कि FIR क्या होती है। आपने ये शब्द तो बहुत बार सुना होगा, लेकिन FIR से जुड़ी हुई बारीकियों को लेकर आज की कानूनी कहानी में आपके साथ आगे चर्चा करूंगी। तो फिलहाल शुरुआत करते हैं खबरों की। आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने, जो दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट है, उसने एमजे अकबर के मानहानि मामले में प्रिया रमानी को राहत देते हुए बरी कर दिया है। एमजे अकबर की जो मानहानि को लेकर याचिका थी उसको खारिज कर दिया गया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि कोई भी महिला 20 साल बाद भी चाहे तो अपने साथ हुई यौन हिंसा की बात को बता सकती है। कोर्ट ने इसको लेकर रामायण और महाभारत तक की बात की है और कहा है कि हमारे ये पुराने जो इपिक हैं उसमें भी महिला की डिग्निटी को बरकरार रखने के लिए ये लिखे गए हैं। साथ ही कोर्ट ने कहा कि जिस तरह से इस पूरे मामले में प्रिया रमानी और उनके बाद कुछ और महिला पत्रकारों ने कोर्ट में अपने बयान दर्ज कराए, उसके आधार पर ये नहीं कहा जा सकता कि जो भी मी टू के दौरान प्रिया रमानी ने ट्वीट्स किए थे वो पूरी तरह से गलत थे। उन पर संदेह फिलहाल नहीं किया जा सकता। हालांकि अपील करने का अधिकार आगे एमजे अकबर के पास है, लेकिन फिलहाल जो कोर्ट ने कहा है वो बहुत इम्पॉर्टेंट था। अपने जजमेंट में ये कहा कोर्ट ने कि प्रतिष्ठा अगर आपकी है, प्रतिष्ठा के अधिकार को संरक्षित करने के लिए गरिमा के अधिकार के साथ समझौता नहीं किया जा सकता। यानी महिला की डिग्निटी से जुड़ी हुई अगर कोई बात है तो किसी की रेपुटेशन से जुड़ा हुआ जो राइट है उसके आधार पर उस डिग्निटी को नहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है। दूसरी खबर है मुंबई हाई कोर्ट के औरंगाबाद बेंच से, जहां पर 3 हफ्ते की जो निकिता जैकब वकील हैं उनको ट्रांजिट अग्रिम जमानत कोर्ट ने दे दी है। हालांकि टूलकिट मामले में पुलिस उनको गिरफ्तार करना चाहती थी, लेकिन 3 हफ्ते की ये राहत अभी बेल के तौर पर उनको मिल गई है। तीसरी खबर जो है वो है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें कई दशक पुराने चांदनी चौक के हनुमान मंदिर को दोबारा बनाने के लिए याचिका लगाई गई थी। कोर्ट ने कहा था, कोर्ट ने अब इस मामले में आज याचिका को खारिज करते हुए कहा कि समुदायों के हितों की रक्षा करना ज़रूरी है और साथ ही ये देखना ज़रूरी है कि फ़िलहाल की आम लोगों की ज़रूरतें क्या हैं। कोर्ट ने साथ ही कहा कि पुजारी जो है उसको आवेदन दिया जाना, आवेदन वो आगे दे जिससे दूसरी ज़मीन जिस पर यह हनुमान मंदिर खड़ा हो सके उसके लिए उसे ज़मीन दी जा सके। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने 2015 और फिर नवंबर 2020 में एक आदेश किया था जिसमें कहा था कि चांदनी चौक में जितने भी रिलीजियस इलीगल बने हुए अलग अलग मॉन्यूमेंट्स हैं या फिर अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं उनको वहाँ से हटाया जाए, और इसी आदेश का पालन करते हुए जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उनकी तरफ से ये प्राचीन मंदिर को हटाया गया था। हालांकि इस मंदिर को हटाए जाने के बाद ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में आई कि इससे धार्मिक भावनाएं लोगों की आहत हुई हैं, लिहाजा इस मंदिर को दोबारा बनवाने की इजाज़त दी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज इस याचिका को खारिज कर दिया है। अब बात करते हैं आज की कानूनी कहानी में FIR की। FIR एक ऐसा शब्द है जो अक्सर आपने लोगों के मुंह से सुना होगा कि पुलिस ने फलाने के खिलाफ FIR दर्ज कर ली, फलाने मामले के में उस व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज हो गई। तो आज FIR से जुड़ी हुई जानकारियां मैं आज आपके साथ साझा करने वाली हूँ। FIR मतलब फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट या प्रथम सूचना रिपोर्ट जो है वो एक प्राथमिकी होती है, यानी कि पुलिस में अगर आपने कंप्लेंट की है, पुलिस ने फिर उस पर FIR दर्ज की है, तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन अगर पुलिस को किसी भी अपराध की करनी है तो सबसे पहले उस मामले में FIR दर्ज की जाती है। FIR अलग अलग क्राइम्स के लिए अलग अलग तरह से पुलिस दर्ज करती है, यानी कि अपराध की किस तरह की प्रवृत्ति है उससे ये तय होता है कि FIR तुरंत दर्ज होगी या फिर पुलिस पहले अपनी तहकीकात करेगी और फिर किसी भी शिकायतकर्ता की उस शिकायत पर FIR दर्ज होगी। तो अपराध भी दो तरह के होते हैं, संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध में आते हैं उस तरह के अपराध जो बहुत ही जघन्य अपराध होते हैं, यानी कि उसमें किसी को गोली मार देना, किसी का मर्डर कर देना,
रेप कर देना, इस तरह के जो अपराध होते हैं उसमें तुरंत ही एफआईआर दर्ज करनी होती है पुलिस को। और जो सीआरपीसी की धारा 154 है उसके तहत ये एफआईआर दर्ज की जाती है। और साथ ही दूसरे अपराध की अगर बात करें तो असंगीय अपराध, जैसे बहुत छोटे क्राइम होते हैं, मामूली मारपीट का मामला हो गया, कहा सुनी हो गई, या इसी तरह के और छोटे मोटे अपराध अगर हैं तो उसमें तुरंत एफआईआर दर्ज पुलिस नहीं करती है, बल्कि उसमें जब भी कोई शिकायतकर्ता अपनी शिकायत लेके जाता है तो जाँच की जाती है, और जाँच में अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो उसके बाद एफआईआर दर्ज होती है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि अगर अपराध गंभीर है तो तुरंत एफआईआर दर्ज करनी होती है। और अगर मान लीजिए किसी इलाके में किसी व्यक्ति के साथ कोई अपराध हुआ है तो ज़रूरी नहीं है कि वो व्यक्ति खुद जाकर एफआईआर करे, बल्कि उसका कोई रिश्तेदार या निकट का व्यक्ति भी परिवार का एफआईआर दर्ज करा सकता है। और अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो फिर ऑनलाइन भी एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है। अब सवाल ये है कि कई बार आपने सुना होगा ज़ीरो एफआईआर दर्ज हो गई, तो ये क्या है? जैसे आपने आशाराम के बारे में सुना होगा कि एफआईआर जो उनके ख़िलाफ़ ज़ीरो दर्ज हुई थी और उसके बाद वो फिर राजधानी दिल्ली में ट्रांसफ़र की गई थी। तो कुल मिलाकर ज़ीरो एफआईआर वो होती है जिसमें किसी दूसरे थाने में या किसी दूसरे क्षेत्र में शिकायतकर्ता पुलिस से संपर्क करता है और पुलिस को लगता है कि बेहद गंभीर अपराध है तो वहाँ पर वो एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। मानिए कि किसी महिला के साथ अगर बलात्कार की घटना हुई है और वो भाग कर उस घटना स्थल से किसी दूसरी जगह पहुंच गई है और वहां पर किसी पुलिस स्टेशन में वो जा रही है, तो पुलिस का फ़र्ज़ बनता है कि तुरंत ज़ीरो एफआईआर वो दर्ज करे, उस महिला का मेडिकल कराए जिससे जो अपराध हुआ है उससे जुड़ी हुई मेडिकल रिपोर्ट भी हो, और फिर जो कंसर्न थाना है वहां पर वो पुलिस उस एफआईआर को ट्रांसफ़र कर दे। तो ये जो ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया होती है ये ज़ीरो एफआईआर में होती है, क्योंकि थाना फिर बाद में वही इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है जहां ये अपराध हुआ होता है। साथ ही एफआईआर को लेकर कुछ और चीज़ें आपको बताना चाहूँगी। कई बार ऐसा होता है कि आप एफआईआर दर्ज कराने पुलिस के पास गए और पुलिस ने आपका मामला लिया ही नहीं, दर्ज ही नहीं किया, तो ऐसी सूरत में फिर आपके पास रास्ता होता है एफआईआर दर्ज कराने के लिए कोर्ट में जाने का। कोर्ट में आप एक शिकायत देते हैं कि पुलिस के पास आप गए और आपकी शिकायत को दर्ज नहीं किया गया। उसके बाद कोर्ट उस मामले की गंभीरता या अपराध की गंभीरता को देखते हुए पुलिस को निर्देश देता है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज की जाए। जब भी आप एफआईआर दर्ज कराते हैं तो पुलिस को एक एफआईआर की कॉपी आपको देनी होती है जिसमें उस थाने की सील लगी होती है और साथ में हस्ताक्षर होते हैं, जिससे ये साफ हो सके कि एफआईआर जो है वो फलां थाने में दर्ज करवाई गई है। तो और साथ ही एक चीज़ और, एफआईआर जब आप दर्ज करा रहे होते हैं और उसकी कॉपी पुलिस आपको देती है तो वो निशुल्क होती है, यानी कि पुलिस उसके लिए एफआईआर देने के लिए आपको किसी तरह से कोई फीस चार्ज नहीं कर सकती है, वो पूरी तरह से निशुल्क होती है। तो ये थी कुछ एफआईआर से जुड़ी हुई दिलचस्प बातें। कल फिर आपके साथ कानूनी कहानी में हाजिर होंगी, तब तक के लिए नमस्कार।